Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. जुकाम हो चुका है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, स्वेटर्स निकल चुके हैं और एक और चेंज आने वाला है विच इज़ इन आर स्किन केयर रूटीन. बिकॉज ऑफकोर्स समर्स में हमारी स्किन ऑयली, चिपचिपी, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, डर्ट पल्यूशन स्किन पर ज़्यादा ऐसे चिपकता है, तो हम बहुत हार्श वाला स्किन केयर यूज़ करते हैं. लेकिन विंटर्स आते आते हमारी स्किन में इतना ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता, स्किन हमारी ऐसे सूखी सूखी हो जाती है, डिहाइड्रेटेड फील होती है. माइंड यू, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिहाइड्रेटेड स्किन एंड ड्राई स्किन. आपकी अगर ऑयली स्किन है तो विंटर्स में आपकी स्किन ड्राई नहीं हो रही. हम कभी कभी बोल देते हैं मेरी स्किन ड्राई हो गई, मैं भी कभी कभी बोल देती हूँ, बट इन रियलिटी वो ड्राई नहीं होती, वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है. काफी बार बहुत सूखी सूखी हो जाती है, पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है. सो सबसे पहले पानी खूब सारा पीना है एंड सेकेंड थिंग इज चेंज योर रूटीन. सो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 10 मस्ट हैव इन योर विंटर स्किन केयर रूटीन. ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो विंटर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे नरिशमेंट देने में. एक एक स्टेप का मैं रिकमेंडेशन देने वाली हूँ फ्रॉम फेशियल क्लेंजर्स, टोनर्स, सीरम्स, मॉइस्चराइजर्स, सनस्क्रीन. तो आज की वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. पहले क्लियर कर देती हूँ, लिंक्स माइट बी एफिलिएट, कुछ कुछ ब्रांड के साथ मेरे कोड्स हैं, लेकिन ये वीडियो किसी भी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं करी, ये मेरे खुद के पर्सनल पिक्स हैं. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1 विच इज क्लेंजर. नाउ सर्दियों में क्या होता है ना, एक्ने अपने आप थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं. अगर आपको सर्दियों में भी एक्ने हो रहे हैं तो मैं आपको एक दो फेस वॉश वैसे ही रिकमेंड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, जो विंटर्स के लिए भी काफी अच्छे हैं, आपके स्किन को सुखाते नहीं है. बिकॉज मेजरली जितने भी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड एक्ने वाले क्लेंजर्स होते हैं वो स्किन को हल्का हल्का ड्राई फील कराते हैं. तो मैं विंटर्स में ना वो वाले सारे क्लेंजर साइड में रख देती हूँ और मैं उसकी जगह यूज करती हूँ एक जेंटल क्लेंजर, जिससे मेरी स्किन क्लेंज भी हो जाती है, ऑयल भी निकल जाता है और अननेसेसरी मेरी स्किन ऐसे ड्राई सूखी सूखी फील नहीं होती. एंड दिस इज द वन जो हमेशा नायका पे अमेजिंग डील पे होता है, अमेजोन पे भी आपको काफी अच्छी डील पे मिल जाएगा. यह है सिंपल का रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश फॉर स्मूथ एंड फ्रेश स्किन. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्लेंजर इज ये सारी स्किन टाइप के साथ जाता है. अगर आपकी ऑयली स्किन है सूट करेगा, ड्राई स्किन है सूट करेगा, डिहाइड्रेटेड है, कॉम्बिनेशन है, सबको सूट करता है बिकॉज एक जेंटल क्लेंजर है. फोम इतना ज्यादा नहीं बनता, एक डिसेंट फोम बनता है, लेकिन स्किन आपकी काफी अच्छे से क्लेंज हो जाती है. 100% सोप फ्री है, इसमें कोई कलर, परफ्यूम, कोई हार्श केमिकल नहीं है. सो अगर आपकी स्किन अल्ट्रा सेंसिटिव है, विंटर्स में बहुत जल्दी रेड हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, एक जेंटल क्लेंजर अगर आप ढूंढ रहे हो देन दिस इज द वन दैट यू कैन डेफिनेटली रीच आउट फॉर. मुझे क्लेंजर से पहले माइसेलफ वाटर सजेस्ट करना चाहिए था, बट कोई नहीं, बेटर लेट देन नेवर. सो मेरे पास एक माइसेलफ वाटर की भी रिकमेंडेशन है जो स्पेसिफिकली अभी ड्राई स्किन अगर डिहाइड्रेटेड हो रही है विंटर्स में, आप कोई भी माइसेलफ वाटर यूज करते हो आपकी स्किन सूख जाती है, तो ये माइसेलफ वाटर काफी अच्छा है. सो ये बिल्कुल गार्नियर की तरह है, जो गार्नियर का ऑयल इन्फ्यूज्ड माइसेलफ वाटर आता है ना, ये बिल्कुल उसकी तरह. आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ऑयल की लेयर बनी हुई है एंड यू जस्ट हैव टू शेक इट रियली वेल एंड देन पोर ऑन योर कॉटन पैड. सो इसमें है आलमंड ऑयल, जो बेसिकली आलमंड ऑयल है, एलोवेरा है, जो काफी अच्छे से आपका मेकअप भी हटाता है लेकिन आपकी स्किन को ड्राई नहीं फील कराता. ट्रस्ट मी, देयर आर डेज जब बहुत ज्यादा भी ठंड आएगी ना, तो मुझे पता है मैं खुद ही करने वाली हूँ, मैं इससे मेकअप वाइप ऑफ करूंगी और मैं सो जाऊंगी बिकॉज मेरी हिम्मत नहीं होती रात के 12-1 बजे फेस वॉश करने की. रिमूव करता है मेकअप को, नरिश करता है, जेंटल ऑन स्किन एंड दिस इज सल्फेट एंड पैराबेन फ्री विच इज अमेजिंग. अभी मैं 1 वीक हो चुका है मैं इसी को यूज कर रही हूँ, काफी अच्छे से मेकअप को भी निकाल दिया, मेरी स्किन को ड्राई नहीं फील कराया और जो आलमंड ऑयल है ना उससे वाटर प्रूफ मेकअप भी काफी अच्छे से निकल रहा है. बिकॉज रेगुलर माइसेलफ वाटर में आपको आलमंड ऑयल या फिर ये ऑयल्स नहीं मिलते, लेकिन सिंस इसमें आलमंड ऑयल भी है ना, तो ये काफी अच्छे से मस्कारा को भी निकालता है, उसको ऐसे सुखाता नहीं है, पपड़ी जैसा मस्कारा नहीं निकलता, उसमें एक नरिशमेंट की लेयर छोड़ के जाता है. सो या दिस इज अ रियली नाइस माइसेलफ वाटर. नेक्स्ट अप वी हैव टोनर. मैं हर कैटेगरी में आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ही बता रही हूँ, ऐसे कंफ्यूज नहीं करूंगी, सो दैट आपके लिए भी ईजी हो. सो टोनर कैटेगरी में जो मेरा फेवरेट टोनर है, जो विंटर्स के लिए एकदम परफेक्ट है बिकॉज ये काफी अच्छी नरिशमेंट की लेयर देता है आपकी स्किन को, वो है ये टोनी मोली का वंडर हाइलुरोनिक एसिड चोक चोक टोनर. इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है और भी काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं जो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को लाइक टोन भी कर देते हैं. बिकॉज काफी बार क्या होता है विंटर्स में हम बहुत जलते हुए या फिर गर्म पानी से नहाते हैं, फेस वॉश करते हैं और गर्म पानी से नहाने से अगेन आपकी स्किन ऐसे खिंच जाती है, सूखी सूखी फील होती है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली पहले मॉइस्चराइजर या सीरम लगाने से पहले आप ये टोनर अप्लाई कर सकते हो. ये स्किन का एक तो एक्सेस जो भी डस्ट डर्ट होगी वो तो हटा ही देगा, लेकिन एक पीएच लेवल को भी मेंटेन कर देगा आपकी स्किन के अंदर, फाइनली वो एक नरिशमेंट वापस आ जाएगी. एंड द बॉटल इज ह्यूज, लाइक लुक एट द साइज. ये अभी अगर आप दिसंबर में लोगे, ये जैन फेब मार्च आपका इजिली निकाल देंगे. माय हस्बैंड इज आल्सो यूजिंग दिस वन, ही इज आल्सो लविंग इट. उसकी भी स्किन इससे काफी अच्छे से क्लेंज हो जाती है. सो या स्किन केयर इज जस्ट नॉट फॉर वुमेन, लड़के भी स्किन केयर कर सकते.
करते हैं. इनफैक्ट मेन नीड मोर टोनर्स एंड मिसेलेनियस वाटर इन देयर लाइफ बिकॉज वो फेस वॉश जल्दी जल्दी में करते हैं. सो लड़कों को भी काफ़ी अच्छे से अपनी स्किन टोन करनी चाहिए, मिसेलेनियस वाटर लगाना चाहिए. जस्ट हेल्प देम कि सारा जो डस्ट गंक हो जाती है. सो जो भी लड़कियाँ देख रही हैं, प्लीज़ हेल्प योर ब्रदर एंड हस्बैंड विद सम स्किन केयर रूटीन. सो दिस इज रियली नाइस. दोनों हम दोनों को भी बहुत अच्छे से सूट कर रहे हैं. मेकअप रिमूव हो गया, क्लेंजिंग हो गई, टोनिंग भी हो गई. अब आता है नेक्स्ट स्टेप विच इज सीरम्स. नाउ विंटर्स में ना स्पेसिफिकली मैं ज़्यादा सीरम्स नहीं यूज़ करती. अब तो वैसे ही मैंने अपने नॉर्मल स्किन केयर रूटीन में भी एक्सेसिवली सीरम्स यूज़ करना थोड़ा कम कर दिया है. मैं रात को कुछ ऐसा लगा लेती हूँ जिससे मेरी जो स्किन के कंसर्न है, एक्ने मार्क्स हैं, एक्ने वो थोड़े से डील हो जाए. लेकिन डे टाइम में मैं इतना कोई हैवी सीरम नहीं यूज़ करती. द ओनली सीरम आई वॉन्ट रिकमेंड यू गाइज इज दिस वन. लेकिन एक रिसेंट फाइंड भी मेरे पास आई है जो मुझे विंटर के लिए बहुत अच्छी लगी, उसमें आपको दोनों ही रिकमेंड कर दूंगी. सबसे पहला मेरा होली ग्रेल विच इज लॉरियल का रिवाइटल 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम. यू गाइज नो आई लव दिस वन. दिस इज सो सो गुड. काफ़ी अच्छे से स्किन पे हाइड्रेशन लेके आता है, आपकी स्किन प्लम्प हो जाती है. इट इज़ लाइक वाटर फॉर योर स्किन. आप जैसे पानी पीते हो ना आपकी बॉडी के लिए, सो दैट आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, पानी की कमी ना हो, इन द सेम वे आपके फेस के लिए पानी की तरह काम करती है. द ओनली थिंग इज इसको थोड़ा सा डैम स्किन पे लगाना. कभी भी हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट जिसमें हाइलुरोनिक एसिड की क्वांटिटी थोड़ी हो परसेंटेज में, लाइक इसमें 1.5% है, तो उसको सूखी स्किन पे नहीं लगाना. जस्ट स्प्रे सम वाटर. मैं क्या करती हूँ, ये टोनर जब लगाती हूँ हल्की सी स्किन मेरी गीली होती है, या फिर जब फेस वॉश आप करके आए हल्की हल्की स्किन आपकी गीली होती है, तब आप इस सीरम को लगाओ. जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑन योर स्किन, मसाज इट रियली वेल, लेट इट अब्सॉर्ब इन टू योर स्किन. थोड़ा वेट करो, एकदम मॉइस्चराइजर स्टेप पे नहीं आना. एंड या इट वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली. मैं तो इसको विंटर्स में यूज़ करती हूँ, मेकअप करने से पहले यूज़ करती हूँ. काफ़ी बार रिकमेंड कर चुकी हूँ. दिस इज माई होली ग्रेल सिंस 2 years. आई कैन से बैक टू बैक मैंने इसकी बॉटल्स फिनिश करी है. नायका भी जब भी सेल आती है मैं खुद भी इसको रीस्टॉक करती हूँ. सो यार दिस इज समथिंग वर्थ एवरी पेनी. नेक्स्ट अप इज अ न्यू एडिशन. रिसेंटली डॉट एन की ने लॉन्च की है उनकी एंटायर एक रेंज जिसका नाम है ब्लूबेरी हाइड्रेट रेंज. काफ़ी प्रिटी इसका PR बॉक्स भी आया हुआ है. सो ये है ब्लूबेरी हाइड्रेट का फेस सीरम. ये है 12% बैरियर बूस्ट सीरम जो बेसिकली आपके स्किन के बैरियर को भी रिपेयर करके चलता है, ठीक रखता है, लेकिन हाइड्रेशन काफ़ी अच्छी देता है. मैंने इस रेंज का मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया, सनस्क्रीन यूज़ कर लिया, और ये सीरम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इसको मैंने अभी प्रॉपर ऐसा लंबा टेस्ट नहीं किया, बट आई थिंक जितना यूज़ किया मैं उतना कह सकती हूँ काफ़ी अच्छे से नरिशमेंट दे रहा है. एंड या दिस इज़ हाउ द टेक्स्चर लुक्स लाइक यू कैन सी. काफ़ी लाइट ऐसे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जैसा फील होता है, बट एक्चुअल में ये सीरम है. बिल्कुल भी हैवी नहीं है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट. ऐसा ही लगेगा आपने कुछ हैवी थिक लगाया, लेकिन बहुत अच्छे से आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है. अगर आपकी स्किन का बैरियर भी वीक है, आपने एक्ने के प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए, या फिर थोड़ी सी रेडनेस है स्किन पे, या फिर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, आप एक अच्छा सीरम ढूंढ रहे हो, तो हाइलुरोनिक एसिड की बजाय आप ये भी ले सकते हो. दिस इज़ अ न्यू लॉन्च ऑन डॉटन की एंड डेफिनेटली रियली नाइस. मेरा कोड है डॉटन की पे विच इज कशिका 15, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएंगे. वैसे भी डॉटन की पे सेल चलती रहती है. नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डॉटन की है, मुझे PR में आया था, लेकिन स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद अपनी तरफ से रिकमेंड कर रही हूँ. सो विंटर्स के लिए मुझे काफ़ी अच्छा सीरम लगा. अ वेरी क्यूट सी प्यारी सी बॉटल, बड़ी सुंदर लगती है ड्रेसिंग टेबल पे भी. एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई ड्रॉपर नहीं आता है, ऐसे पंप फॉर्म में आता है, विच इज़ वेरी वेरी इजी टू यूज. नेक्स्ट अप वी हैव मॉइस्चराइजर्स. मॉइस्चराइजर में बिल्कुल भी मैं कंफ्यूज नहीं करने वाली. मैं शॉर्ट शॉर्ट अपना फेवरेट आपको बता देती हूँ, जो मैंने अभी नायका की रिकमेंडेशन में भी आपको बताया है, विच इज अ सेरावी मॉइस्चराइजिंग ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन क्रीम. सो जब आप इसका नाम पढ़ोगे ना, ड्राई टू वेरी ड्राई, और मेरे जैसा ऑयली स्किन वाला हूँ, मैंने जो जब ये फर्स्ट टाइम मुझे ये वाली जो ट्यूब है बेसिकली नायका से PR में आई थी, तो मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया पहले कि ड्राई टू वेरी ड्राई है, मेरी स्किन ऐसे ग्रीसी हो जाएगी, ऑयली चिपचिप फील होगी. बट देन वन डे आई यूज्ड इट बिकॉज मुझे मेरा मेकअप थोड़ा थोड़ा क्रैक होने लग गया था बिकॉज ऑफ एक्ने ट्रीटमेंट्स. तो मैंने मेकअप करने से पहले इसको लगाया एंड आई वॉज शॉक, ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है. सो इसका नाम होना चाहिए नॉर्मल टू ड्राई स्किन बिकॉज आई थिंक ये सबको सूट करेगी. इसमें बिल्कुल भी वो ग्रीसी चिपचिपी कोई लेयर नहीं है. इट गिव्स यू सच ब्यूटिफुल नरिशमेंट. सेरावी का मुझे अब तक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लगा, इनफैक्ट बेटर देन क्लेंजर्स आई वुड से. मैंने खुद इसका बड़ी वाली ट्यूब रीस्टॉक कर लिया अभी नायका की सेल पे. अभी जितनी मैंने अभी शादी अटेंड करी है लास्ट वीक, हमारे दो फ्रेंड्स की शादियाँ हुई हैं, एक मेरी स्कूल फ्रेंड की, एक हमारे कॉलेज फ्रेंड की. मैंने सारे मेकअप से पहले सुबह जब मैं बेसिकली स्टार्ट करती हूँ अपना स्किन केयर रूटीन, तो मैंने यही लगाई है. बहुत अच्छे से नरिशमेंट देती है एंड इट इज़ नॉट एट ऑल चिपचिप हैवी ग्रीसी. विंटर्स के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर अगर देख रहे हो ना, आग बंद करके ले लो, यू विल लव इट एंड यू विल थैंक मी. नेक्स्ट मॉइस्चराइजर इज मेकअप आर्टिस्ट की पसंद, मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट मॉइस्चराइजर, और मेरा भी आजकल यही फेवरेट है. जब भी मैं मेकअप करती हूँ रात को, जब मैं मुझे लगता है मेकअप करने से जस्ट पहले मुझे कुछ लगाना चाहिए, तो मैं यही अप्लाई करती हूँ, विच इज एम्ब्रोलिस लेट क्रीम मल्टी फंक्शन कंसनट्रेट, जो दिखता है कुछ इस तरह से. दिस इज माई सेकेंड ट्यूब जो ऑलमोस्ट मैंने छोड़ चुकी है, और ये मेरी पुरानी वाली ट्यूब है जिसको तो लिटरली मैंने ऐसे पूरा खत्म ही कर दिया है. पैकेजिंग अब थोड़ी सी
अपडेट भी हो गई है बाय द वे. ये मैंने आई थिंक नायका से ली थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बहुत अच्छी है. दिस इज मेकअप बेस मॉइस्चराइजिंग मास्क मेकअप रिमूवर मिल्क एलोवेरा शेयर बटर. सो ये मल्टी फंक्शन मॉइस्चराइजर है. ये प्राइमर का भी काम करता है. दो ये सिलिकॉन वाला प्राइमर नहीं है. ऐसे पोर्स को फिल इन नहीं करेगा लेकिन काफी अच्छा मेकअप से पहले आपकी स्किन को प्राइम कर देता है फॉर मेकअप. लाइक मीडियम कंसिस्टेंसी, ना थिक है ना लाइट है, लेकिन बहुत अच्छे स्किन में ब्लेंड हो जाता है. अगेन ग्रीसी फील नहीं होता विच इज द बेस्ट पार्ट. द ओनली थिंग इसमें से गेंदे की फूल की खुशबू आती है विच फील्स प्लीजिंग टू मी. स्टार्टिंग में थोड़ा अनोइंग लगता था लेकिन अब अच्छी लगती है. बट मेकअप इससे बहुत अच्छा होता है. अगर आप धीरे धीरे अपनी वैनिटी बिल्ड कर रहे हो, आप अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो जिससे आपका मेकअप भी बहुत सुंदर निकल के आए, देन ट्रस्ट मी इट इज एक्सपेंसिव. 2,500 की आती है बट इट इज वर्थ एवरी पेनी. मर गया, आई थिंक मर गया मर गया मर गया. वेरी गुड, मुझे टांगे खा गया ये मच्छर. Now I can shoot. Okay, let's start. नेक्स्ट स्टेप इज सनस्क्रीन. एंड यू गाइज नो आई लव रिकमेंडिंग एंड यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सनस्क्रीन. पहले मेरा मन था मैं एक स्पेसिफिकली अलग वीडियो बनाऊंगी विंटर स्पेसिफिक सनस्क्रीन की, बट जब मैंने निकालना शुरू किया ना मुझे स्पेसिफिकली यही फोर्स जो सनस्क्रीन है वो ठीक लगी. सो मुझे लगा चलो चार सनस्क्रीन के लिए अलग से क्या वीडियो बनानी, मैं इसी वीडियो में आपको दिखा देती हूँ. दीज आर माई टॉप फोर पिक्स फॉर विंटर्स. सबसे पहले आ जाते हैं मेरी सबसे फेवरेट जो मैंने अभी समर्स में भी यूज करी और मैं विंटर्स में भी यूज करने वाली हूँ बिकॉज इसकी फिनिश काफी ड्यूई है. मुझे समर्स में कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर इसके लिए यूज करना पड़ता था बिकॉज टिंटेड थी, बड़ी अच्छी लगती थी तो मैं यूज करती थी. लेकिन अब विंटर्स में आई थिंक काम चल जाएगा, सेट करने की भी जरूरत नहीं होगी बिकॉज इट हैज अ वेरी नाइस ड्यूई टेक्सचर. यह डॉट एंड की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन डेली वेयर विद SPF 50 PA 4x+. आई एम इन द शेड 05 सैंड जो ब्यूटिफुली मुझे सूट होता है. पहले डॉट एंड की ने 3 शेड लॉन्च करे थे, सैंड था एक और डार्केस्ट शेड था और एक लाइटेस्ट शेड था आइवरी, एक और डार्क शेड का मुझे नाम नहीं पता. और फिर अब इन्होंने 2 शेड और लॉन्च कर दिए. मैं यहाँ पे एंटायर एक इमेज इंसर्ट कर दूंगी. मेरे पास सारी इनके पास शेड रेंज आई थी PR में लेकिन मुझे सैंड स्पेसिफिकली सूट करता है. सो अगर आप भी NC25 हो, मेबलिन 128 फिटमी अगर आपका शेड क्लोज है तो सैंड आप ले सकते हो. सूट से ब्यूटिफुली काफी अच्छे से नरिशमेंट भी देती है, टिंटेड है. मैं तो जिम भी यही लगा के जाती हूँ बिकॉज इसके ऊपर फिर फाउंडेशन की नीड नहीं होती. काफी लाइट एक कवरेज देती है, जो भी एक्ने की रेडनेस होती है ना उसको ब्यूटिफुली कवर कर देती है. हालत आप देख सकते हो, ये मेरी पूरी अब खत्म होने वाली है और सेकंड मेरे पास इसका ऑलरेडी बैकअप रखा हुआ है. सो या विंटर्स के लिए काफी अच्छी सनस्क्रीन है. अगर आप टिंटेड में स्पेसिफिकली वर्क ऑफिस के लिए कोई सनस्क्रीन देख रहे हो फॉर विंटर्स, यू कैन डेफिनेटली बाय इट. सनस्क्रीन इज ऑल्सो फ्रॉम डॉटन की, अगेन फ्रॉम द न्यू रेंज. जिस रेंज का मैंने आपको ये सीरम दिखाया था उसी रेंज की सनस्क्रीन भी लॉन्च हुई है. ये ब्लूबेरी हाइड्रेट बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन, लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर इसका क्लेम है. सो ये मॉइस्चराइजर का भी काम कर रही है, सनस्क्रीन का भी काम कर रही है. सो जस्ट इन केस आपका नहीं मन सुबह सुबह मॉइस्चराइजर भी लगाओ, सीरम भी लगाओ, सनस्क्रीन भी लगाओ, यू कैन जस्ट बाय दिस वन बिकॉज ये 3-in-1 सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है. SPF 50 है, PA 4x+ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन देती है. इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और इसमें सेरामाइड्स भी हैं. ऑल स्किन टाइप के लिए है. इसमें 6 UV फिल्टर्स हैं, नॉन ग्रीसी इसकी फिनिश है एंड दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री. तो इस बार जो लॉन्च किया ना डॉट एंड की ने काफ़ी अच्छे से हर एक फैक्टर्स का ध्यान रखा है. फ्रेग्रेंस नहीं है, फिल्टर्स बहुत अच्छे इसमें डाले हुए हैं, नॉन ग्रीसी इसकी फिनिश है. एंड इफ आई शो यू द टेक्सचर ऑफ दिस वन, यू कैन सी काफ़ी पतली है, बिल्कुल भी ऐसे थिक फील नहीं होती, बट इट इज इनफ टू नरिश योर स्किन. Like look at this, it literally blends like milk, milky सी कंसिस्टेंसी है और बहुत अच्छी फील होती है स्किन पे. अगेन नो फ्रेगरेंस एट ऑल. सो अगर आपको फ्रेगरेंस से भी प्रॉब्लम है तो भी आप ये सनस्क्रीन ले सकते हो बिकॉज इसमें फ्रेगरेंस नहीं है. एंड फाइनली द लास्ट सनस्क्रीन रिकमेंडेशन इज बाय डॉक्टर शेट्स. डॉक्टर शेट्स की है ये लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी. आई थिंक इस साल इन्होंने ये वाली पर्टिकुलर रेंज निकाली है. ये सेरामाइड एंड वाइटामिन सी की लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन, शियर फिनिश है, वाटर रेजिस्टेंट है, हाई प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA, UVB rays. 1% इसमें सेरामाइड है, 1% इसमें विटामिन सी है, 1% हाइलुरोनिक एसिड है. 360 मिनट्स की लॉन्ग लास्टिंग आपको सन प्रोटेक्शन देती है. ये तो मैं अभी जब हम थाईलैंड गए थे तब भी इसको लेके गए थे. मैंने थाईलैंड यही यूज़ करी थी बट अगेन ये थोड़ी सी नरिशिंग है ना तो वहाँ पे हल्की हल्की ग्रीसी मुझे फील हो रही थी. तो मैंने इसको 1 या 2 दिन ही यूज़ किया, उसके बाद मैंने एक मैट सनस्क्रीन वहाँ पे लगा ली थी बिकॉज ह्यूमिड वेदर के हिसाब से ये हल्की हल्की ग्रीसी है स्किन पर. बट अभी विंटर्स जो है उसके हिसाब से वेरी वेरी नाइस. अगर आप विंटर्स के लिए एक अच्छी सनस्क्रीन देख रहे हो जो ग्रीसी फील ना हो, यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन.
फाइनली द लास्ट रिकमेंडेशन इज अंडर आईज सीरम, बिकॉज विंटर्स में क्या होता है काफी बार हमारी अंडर आईज भी बहुत ड्राई हो जाती है, फिर जब मेकअप करते हैं कंसीलर लगाते हैं, काफी लड़के मुझे डीएम्स में कहती है इंस्टाग्राम पे हमारी अंडर आई सूखी लग रही है, कंसीलर क्रैक हो रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है मुझे यही लगता है ये सेम रेंज का है लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड रेंज का, लेकिन ये अंडर आई सीरम है। आई लव द पैकेजिंग ऑफ दिस वन। ओके मॉइस्चराइजर्स लगा के मेरी स्किन इतनी ग्रीसी हो गई है। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। मैंने इसका डेडिकेटेड वीडियो भी करी हुई थी अपने चैनल पे, यू कैन सी दीज बॉल्स बेसिकली। सो ये काफी अच्छे से आपकी स्किन को ऐसे मसाज देती हैं। ये पफीनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसको फ्रिज में रखो, पूरे टाइम नहीं रखना, लगाने से जस्ट पहले आप फ्रिज में रख सकते हो। यू कैन अप्लाई ऑन योर अंडर आईज, तो इससे एक बेसिकली मसाज भी हो जाती है आपकी अंडर आईज की और जो भी पफीनेस होती है वो चली जाती है। एंड ये कोई डार्क सर्कल्स के लिए काम नहीं करेगी। मैं पर्सनली खुद नहीं कहती कि ये क्रीम लगा लो डार्क सर्कल्स चले जाएंगे, बिकॉज मैंने सब कुछ ट्राई किया एंड आई डोंट थिंक कोई पर्टिकुलर ऐसी क्रीम मुझे अभी तक मिली है जिससे डार्क सर्कल्स पर कुछ असर दिखा है। सो मैं वो क्लेम आपको नहीं बोल रही, इट इज जस्ट फॉर नरिशमेंट। आपकी अंडर आईज को नरिशमेंट मिलेगी, जो पफीनेस है वो कम हो जाएगा। एंड फॉर द प्राइस पॉइंट दिस इज अमेजिंग। इसमें 2.5% हाइलुरोनिक एसिड है, कैफीन है जो अगेन थोड़ी सी डार्कनेस को भी कहते हैं, कैफीन कम करता है, दो मैं इतने क्लेम को नहीं मानती, बट फॉर नरिशमेंट दिस इज अ वेरी नाइस अंडर आई सीरम। लेट्स टॉक अबाउट लिप केयर नाउ। लिप केयर के लिए मेरे पास दो रिकमेंडेशन है, एक थोड़ा सा हाई एंड में है, एक सुप्रीमली अफोर्डेबल है, तो मुझे लगा दोनों ही फीचर कर देती हूँ। सबसे पहला हमारा ओजी किंग जो आप बोल सकते हो विंटर्स का, विच इज बोरोलिन। ये तो विंटर्स आते आते सबको ही ले लेनी चाहिए, बिकॉज ये तो ओजी प्रोडक्ट है जो सबके पास होगा ही होगा, या फिर आप ले सकते हो। बोरोलिन हर चीज में काम करती है, अगर लिप्स पे ड्राइनेस है, मैं एज अ लिप बाम नाइट टाइम ट्रीटमेंट भी इसको यूज करती हूँ। अगर आपको कहीं क्रैक्स आ रहे हो लाइक नोज के आसपास, मुझे काफी बार ड्राइनेस आती है, या फिर यहाँ पे ड्राइनेस है, ओवरऑल आपकी स्किन अगर कहीं ना कहीं ड्राई फील हो रही है, क्रैक्ड हील्स है, नीज एल्बोज, या आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट हैव। या कोई भी फार्मेसी से ले सकते हो, या फिर आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। बोरोलिन के टब्स भी आते हैं, सो अगर आप टब फॉर्म में लेना चाहते हो टब फॉर्म भी ले सकते हो। फॉर द हाई एंड लिप केयर प्रोडक्ट आई वुड से लेनेश का लिप स्लीपिंग मास्क। ये मैंने अमेजोन से इस साल ही लिया है। आई वॉज लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द हाइप की क्या लोग तारीफें करते रहते हैं, सो फाइनली मैंने ले लिया, बट आई थिंक द होल हाइप इज रियल बिकॉज ये काफी अच्छे से नरिशमेंट देती है। मैंने बहुत यूज भी कर लिया, सेंटर में एकदम गड्ढा बन गया है। इट नरिशेज योर लिप रियली वेल। अगर आपको भी ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम है, रात को इसको लगाओ, सो जाओ, ओवरनाइट आपके लिप्स बहुत अच्छे से नरिश रहते हैं, चापी फील नहीं होते। सो या अगर थोड़ा सा हाई एंड में जाना चाहते हो, गो फॉर दिस वन, एंड फॉर सुप्रीमली अफोर्डेबल हमारी बोरोलिन तो है ही। सो ये थे मेरे टॉप विंटर पिक्स इन स्किन केयर कैटेगरी। अगर आपको और कैटेगरीज में कुछ और वीडियो चाहिए, कुछ सजेशन या फिर कोई रिकमेंडेशन आप चाहते हो, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे विद ऑल द डिस्काउंट कोड एंड द डिटेल्स, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका कौन सा विंटर फेवरेट प्रोडक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।